न्यू बोला रे ज्ञान बिना हेर ज्ञान बिना शब्द संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। बताया मात पिता और गुरु का जग में ये मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं, मात पिता और गुरु का जग में ये मान घटाना ठीक नहीं, ठीक नहीं। यार उस बेटा का के सहना, तक उस बेटा का के सहना, घर घर बदनामी होती हो। उस बेटी का के सहना जो आप पिता की होती हो, आप पिता की होती हो। यार उस माता का के सहना जो कुल की नाव डुबोती हो। उस त्रिया का के सहना जो बाट गैर की होती हो, बाट गैर की होती हो। फिर पिता नाम हो होती हो। पिता नाम परमेश्वर का कदे प्रण गिराना ठीक नहीं, ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। अगर कोई इंसान सत्संग में बैठा है तो सिर्फ ध्यान उसका वहीं पे होना चाहिए जिसके प्रति वो अपने मैदान में बैठा है, पंडाल में बैठा है, उसी चीज पर निर्भर होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। अगले वाला अगर गा रहा है, भजन गा रहा, रागनी गा रहा, उस पे फोकस रखना चाहिए, उस पे ध्यान देना चाहिए। अगर बात अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार तालियों सम्मान कर दो। नंबर दो में क्या बताया बड़ा
बारे में बताया है। बहुत से रिश्तेदार ऐसे मिल जाया करते हैं, अगर रिश्तेदार के कोई सर में दर्द है और उसे पता चला कि हमारा रिश्तेदार परेशानी में है, सर में दर्द है, तो फोन की तो दूर की बात, अगर कोई भी सवारी हो अपने साधन घर में हो, गाड़ी हो बाइक हो, तो लेकर के रिश्तेदार से मिलेंगे। ऐसे ऐसे भी हमारे इस भारत भूमि पर रिश्तेदार मिल जाया करते हैं और तकरीबन हैं। तीसरे नंबर पे रिश्तेदारों के बारे में बताया और वो पंच के बारे में बताया, जो पंच फैसला करता है उसके बारे में लिखा है, कभी ने कैसे लिखा वाला क्या बताया। इंसान को चार जगह बांटा गया है, इंसान को चार हिस्सों में बांटा गया है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण। तो हमारे इस भारत भूमि पर सबसे ज्यादा मान्यता ब्राह्मण को दी गई है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम दादा पंडित जी के पास जाएंगे। अगर घर में बच्चे ने जन्म लिया है उसका नाम लिखवाने के लिए, कुआं निकलवाने के लिए हम दादाजी के पास जाएंगे। घर मकान बनाया है उसकी भी हम सलाह दादाजी से लेंगे। कोई भी शुभ कार्य करेंगे हम तो हम पंडित जी को पूछेंगे सबसे पहले जाकर। तो सबसे ज्यादा मान्यता हमारे इस भारत भूमि पर ब्राह्मण को दी गई है। अगर कोई ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण हमारे पास बैठा है, अगर हमको ज्ञान ना दे सके तो उसका ज्ञान रखना भी बेकार है। गांव में कोई पहलवान है, कुश्ती गांव में लड़ता हो और बाहर उसे ले जाते हैं, बाहर अखाड़े में जाकर के जाने से पहले मना कर दे कि भाई मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा, तो उसका गांव में भी कुश्ती लड़ना बेकार है। अंतिम और चौथी बात में कवि ने लिखा है, हमारे परमादरणीय अतर सिंह चौधरी जी, उनकी तरफ से भी 200 रुपए का सम्मान इस रागिणी पर दिया है। कोई लाइन अच्छी लगी होगी, सभी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां कर दो। आइए, क्या बताया भाई? गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं।
ठीक नहीं। पिता और गुरु का जग में